जल नित्य क्रिया में एक विशेष प्रकार के लोटा होता है जो तांबे का, पीतल का या स्टील का बना होता है, टोंटीदार लोटा। उसमें एक टोंटी को पहले जो नाक चल रहा है उसमें पहले उस टोंटी को अंदर प्रवेश कराएंगे। उसे जैसे बायां नाक चल रहा है तो बाएँ में हमने उस टोंटी को प्रवेश कराया और धीरे से दाहिनी तरफ झुक जाएंगे तो पूरा साइनस साफ करता हुआ इधर से निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ से हम करते हैं, इस प्रकार से पूरे हमारे जो है साइनस की धुलाई हो जाती है। साइनस यानी गड्ढा, ये हमारा जो गड्ढा है ना, इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने से एक्यूट साइनोसाइटिस दर्द भी होता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है। तो उसको ठीक करने का बहुत ही ये अद्भुत प्रयोग है और इसमें जो भी कूड़ा कचरा होता है नाक का वो सारा का सारा निकल जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे नाक में अद्भुत एयर कंडीशन कोशिकाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि जो हम सांस लेते हैं, सांस अंदर गया और वो तुरंत जब बाहर आता है तो कैसा होता है, अंदर जो सांस जाता है वो ठीक वैसा ही होता है, बिल्कुल जो है ठंडा होता है, शीतल होता है, और मात्र 3 सेकंड में बाहर निकलता है सांस गर्म होकर के। इतना अद्भुत एयर कंडीशन हमारा अभी तक कोई मशीन नहीं बन सकी है। तो ये हमारा एयर कंडीशन कोशिकाएं कभी कभी विक्षुब्ध हो जाती है, विकृत हो जाती है और वो हमारे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। यदि सांस हमारे सीधे ठंडी हमारे फेफड़े में जाए तो हमारा फेफड़ा भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए परमात्मा ने ये ऐसी कोशिकाएं हमारे नाक में लाखों की संख्या में दे रखा है, तो उस ऐसी कोशिकाओं को सुंदर बनाने का काम, रिपेयर करने का काम ये हमारा जल नीति क्रिया जो है आसानी से करता है। तो जल नीति क्रिया, इसके अतिरिक्त हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसे भी सुंदर उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त यह ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयोगी है, हाइपरटेंशन के लिए बहुत उपयोगी है, साइनोसाइटिस है, रिनाइटिस है, अस्थमा है, इन सब में बहुत गुणकारी होता है। तो यौगिक हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत ये आपका जल नेति क्रिया जो है बहुत ही अनोखा अद्वितीय प्रयोग है।